बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के सुवाला गांव में एक मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े उसके परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को छलक पड़ा। गुस्साए लोगों ने मंगलवार सुबह शिव उपखंड मुख्यालय के बाजार बंद करवाए और सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न दौर की वार्ता के बाद शाम को विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के सुवाला गांव में एक मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े उसके परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को छलक पड़ा। गुस्साए लोगों ने मंगलवार सुबह शिव उपखंड मुख्यालय के बाजार बंद करवाए और सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न दौर की वार्ता के बाद शाम को विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त किया गया। बाड़मेर के शिव में मासूम बालिका के साथ गैंगरेप और उसकी दरिंदगी के साथ की गई हत्या के मामले में मंगलवार को लोगों का गुस्सा शिव कस्बे में फूट पड़ा। हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जैसलमेर बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करवाकर जमकर नारेबाजी की। मासूम के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नामजद एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और अन्य चार मांगों को लेकर हजारों लोग उपखंड मुख्यालय शिव में डटे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते ना शव का भी अभी तक पोस्टमार्टम हो पाया है और ना ही शव को परिजनों को देने की कार्यवाही के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाने के बाद लोग पुलिस समझाइश से मान गए थे, लेकिन मंगलवार को लोगों का रोष उग्र होता नजर आ रहा है। परिवारजनों के कुछ कंसर्न्स थे, मुलजिम जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है और हमने इन्हें अश्योर किया कि जो दूसरा आरोपी है उसे भी जल्द से जल्द आरोप जो बचा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा उनका यह था कि जो सरकार ने मुआवजा दिया उसके अतिरिक्त कुछ और मुआवजा वो चाहते थे और कुछ उनका था कि कोई जमीन का उनका पड़ोसी से विवाद है तो उसका पैमाइश कराई जाए और उनके घर के आने की जो सड़क है उस पर कटान हो गया है उसको सही करवाया जाए। तो ये जो दो काम है ये प्रशासन अपने नरेगा से करवा देगा, रोड और पैमाइश का काम करा देगा, और जो उनकी मुआवजा संबंधी डिमांड है वो हम राज्य सरकार को उचित चैनल पर रेज कर देंगे। इसके बाद वो सहमत हुए और अभी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पंचनामे के बाद और अब उसका फ्यूनरल किया जाएगा। आज एक्चुअली जो आरोपी है उससे हम बहुत डिटेल में पूछताछ कर नहीं पाए क्योंकि देर रात उसे पकड़ा गया और उसके बाद ये सुबह से इस घटनाक्रम में लग गए। अब हम एक बार उसमें गहनता से उससे पूछताछ करेंगे ताकि पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके और फिर हम आपको जो भी वस्तुस्थिति है वो अवगत कराएं। फैमिली ने क्या ब्लेम किया है सर, एफआईआर में किस तरीके की एफआईआर? देखिए एफआईआर में तो उन्होंने ये कहा है कि जो पड़ोसी खेत मालिक है गोपाल सिंह और उसके दो कृषक और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति जिसको वो नहीं जानते बालिका को अपने घर से उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसका मर्डर किया। अब तफ्तीश में जो तथ्य आएंगे वो क्या होगा वो एक बार हम डिटेल्स करके और आपको उससे अवगत करा देंगे। घटना के बाद से ही उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न थानों के जाप्ते के साथ शिव विधायक अमीन खान के पोते और गढ़रारोड प्रधान सलमान खान, रालोपा नेता उदाराम मेघवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिव में अपना डेरा लगा रखा है। वहीं शाम होते होते प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण और धरने पर बैठे परिजनों की बाड़मेर पुलिस से विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बन गई और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दे दिया गया।